डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। एमसीक्यू भी पूछ लेता है कभी कभी और वैसे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई, विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम लेना है हमें। अच्छा, अगर यहाँ पर हमने अपचयन विभव की जगह क्या ले लिया, ऑक्सीकरण विभव ले लिया, तब ये परिभाषा उलट जाएगी। क्या अब परिभाषा बन जाएगी कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम लेना है, ठीक है। तो हम कहेंगे विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मैंने यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई हुई है नीचे, और इनके कुछ धातुओं के मानक अपचयन विभव लिखे हैं, सभी के तो नहीं लिखे, लेकिन बस इसी से ही आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर ये धातु हो गई लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज हो गई, जिंक हो गई, और क्रोमियम हो गई, आयरन एफ ई हो गई, कैडमियम सी डी हो गई, कोबाल्ट सी ओ हो गया यानी एन आई हो गया, और इसके बाद हो गया इधर देखिए एस एन हो गया, टिन, पी बी हो गया, लेड, हाइड्रोजन, एच हो गई, कॉपर सी ओ हो गई, मरकरी एच जी जिसे पारा भी कहते हैं, सिल्वर ए जी जिसे चांदी भी कहते हैं, प्लेटिनम पी टी होगी और गोल्ड ए यू हो गई, ठीक है। तो ये हमने धातुओं को इनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा। देखिए इसमें लिथियम धातु का जो मानक अपचयन विभव है सबसे कम है वो कितना है, -3.09 है। अच्छा, जो पोटेशियम हो गया इसके बाद उसका मानक अपचयन विभव थोड़ा बढ़ गया, वो कितना हो गया, -2.92। उसके बाद बेरियम आ गया, बेरियम का जो मानक अपचयन विभव हो गया वो -2.91 आ गया, मतलब थोड़ा और बढ़ गया। माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रोंटियम हो गया यानी एस आर, ठीक है, इसका मानक अपचयन विभव थोड़ा और बढ़ गया, -2.89 कह देंगे अभी से। इसी तरह से आगे कैल्शियम का बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये देखते हैं जिंक का जो मानक अपचयन विभव आगे मैंने लिखा हुआ बीच के छोड़ दिए इसी तरह से, क्योंकि इन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है हमें, ठीक है। इसका मानक अपचयन विभव जो है -0.76 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब आते आते हाइड्रोजन पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के बाद जितनी भी धातु होती है उनका मानक अपचयन विभव धनात्मक हो जाता है यानी प्लस में हो गया। जैसे कि कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना हो गया, +0.34 हो गया। यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने इसकी ट्रिक लिखी हुई है, ये क्रम किस तरह से याद करेंगे हम धातुओं का। तो यहाँ पे क्रम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, इस ट्रिक से आप इस क्रम को याद कर सकते हो, इस ऑर्डर को याद कर सकते हो, बहुत सिंपल होगा। देखिए ये ट्रिक है, ली के भाई सुरेश के नाम मैगी आलू में जिंक करना फिर कड़वाहट को निकालना। अब देखिए जैसे कि ली यानी एल आई लिथियम बन गया, के यानी के फोर के हो गया यानी पोटेशियम, ठीक है, भाई बी ए यानी बेरियम हो गया, सुरेश यानी एस आर हो गया, इसे कहेंगे स्ट्रोंटियम, फिर एक और बाद में के आ गया तो इसे कहेंगे हम कैल्शियम सी ए, ठीक है। बाद वाला के, शुरू वाला के तो पोटेशियम को रिप्रेजेंट करेगा और जो बाद वाला के होगा वो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह से सुरेश के नाम, नाम यानी एन ए सोडियम हो गया, मैगी यानी एम जी मैग्नीशियम हो गया, आलू ए एल यानी एल्यूमिनियम हो गया, मे यानी एम एन हो गया और इसे कहेंगे मैग्नीज, जिंक जिंक ही होता है, करना यानी सी आर क्रोमियम हो गया। तो इस तरह से हम इसे ऑर्डर को याद कर सकते हैं कि कौन सी धातु ऊपर है और कौन सी धातु नीचे है, मतलब इससे पता चल जाएगा किस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक है और किस धातु का मानक अपचयन विभव कम है। ये याद होगी तो बड़ा आसान काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना गया, ली के भाई सुरेश के नाम मैगी आलू में जिंक करना, यहां तक एक सेंटेंस हो गया, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर कड़वाहट को निकालना, ठीक है। सैनिक पंजाब के हाय क्यों पारों ने चांदी की प्लेट को सोना बताया, तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए मानक अपचयन विभव तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मानक अपचयन विभव धातुओं का क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, लेकिन जो धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता होती है वो घटती है। तो हम ये कहेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता कम होती है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो गोल्ड एयू हो गया, गोल्ड एयू की इसमें सबसे कम सक्रियता होती है, सबसे कम क्रियाशीलता होती है। तो समझ गए होंगे, आज की वीडियो में बस ये डिस्कस करना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको
विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं समझाएगी।